हज का सीज़न चल रहा है माशाल्लाह से, तो हम लोग को चाहिए हर वक्त ये पढ़ते रहें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये इसका हर नमाज के बाद भी इसको सात सात बार पढ़ना चाहिए, और घर में ऐसे ही ज़ोर से पढ़ते पढ़ते इधर से उधर फिरना चाहिए, किचन में आप काम कर रही हैं तो ये पढ़ती रहें, तो इससे ये होता है कि अल्लाह पाक को बहुत ही ये कलमा पसंद है, और ख़ास तौर पे इस 10 दिनों में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को भी थोड़ा होगी आदत, वो भी पढ़ेंगे, और ये भी कि इस वक्त पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नियामता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पढ़ने का भी जो हम घर बैठे भी हम सवाब हासिल कर सकते हैं, हाजी तो वहाँ है और माशाल्लाह वो तो बेतहाशा जो है सवाब कमा रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, और मैं एक बस्ती आबाद हो गई है मना में, और वहाँ माशाल्लाह से इतनी चहल पहल है और इबादत हो रही हैं, और इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह से टीवी में देखो इस तरह से। लेकिन ये कि उम्रे वाले का तो बिल्कुल पाबंदी, अभी उम्रे पर नहीं जा सकते बिल्कुल, मस्जिद नबी जा सकते हैं ईद पर, लेकिन ये कि उम्रे की अभी इजाज़त नहीं होती, जब तक हज ख़त्म ना हो जाए, सारे हाजी अपने अपने मुल्क ना चले जाएं, जब तक बिल्कुल पाबंदी होती है उम्रा करने वालों पर। और माशाल्लाह से मैंने जब हज किया था तो मेरी उम्र 24 साल थी, इतनी जवानी में मैंने हज कर लिया था, तकरीबन 38 साल हो गए मुझे हज किए हुए। तो ये है कि अब याद मतलब आता है हल्का हल्का सा, अपने हस्बैंड और मेरा बेटा माशाल्लाह से बड़ा वाला जो है वो 2.5 साल का था, नहीं 1.5 साल का था जब हमने हज किया था। तो मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि मैंने तो ऐसा लगता है मैंने सही से इबादत नहीं की, क्योंकि मुसलसल मुझे दानिश को भी देखना पड़ता था, और इसकी भी ज़ाहिर देखभाल वहाँ पर कर ज़्यादा करनी पड़ती थी, क्योंकि जिस साल हमने हज किया उस साल बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी थी वहाँ पर, कि नीचे भी पैर अगर लग जाए ज़रा सा तो एकदम ऐसा गर्म होता था, और कोई मस्जिद नबी और खाने काबा में कोई तामीरात नहीं हुई हुई थी, वो पुराना मतलब सारा था, एक गेट था बस उससे अंदर जाओ, अब तो इतनी ज़्यादा तामीरात हो गई हैं, बाकायदा गेट नंबर लिखे हुए हैं, ये गेट नंबर, वो मतलब एक दूसरे को कहना पड़ता है कि फला गेट नंबर पे हम तुम्हें मिल जाएंगे। तो बस ये है, जाहिर है जितना जितना आगे दुनिया जा रही है और इतने सारे हाजी और उम्रे करने वाले बढ़ रहे हैं, इसी तरह वो लोग तामीरात कर रहे हैं, और भाई माशाल्लाह वो लोग इतना अच्छा इंतज़ाम ये लोग करते हैं कि बस मैं बता नहीं सकती। अल्लाह पाक ने इन लोगों को सचमुच दी है हिम्मत कि ये इतने सारे हाजियों को संभालते हैं माशाल्लाह से, और हर किसी के साथ मतलब ऐसा सलूक करते हैं जैसे यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए माशाल्लाह। किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, अभी एक जहाँ बड़े मियाँ आए हुए हैं हज करने के लिए, तो उनको दिल की तकलीफ़ हुई, तो उनका बड़ा ऑपरेशन दिल का हुआ, जो तो वो फौरन उनको इमरजेंसी में लेके गए और उनका ऑपरेशन हो गया, और उनसे किसी चीज़ की एक पैसा उन्होंने तलब नहीं किया यहाँ पर ना, उनका बड़ा ऑपरेशन हो गया दिल का और वो अब आराम कर रहे हैं। हज तो मेरे ख्याल में उनका नहीं हो सकता, लेकिन ये कि उनकी माशाल्लाह से ओपन हार्ट सर्जरी हो गई और वो हॉस्पिटल में है, और उनको उनके घर वाले कह रहे हैं उनको हमें नहीं पता, कुछ एक पैसे की भी इन लोगों ने डिमांड नहीं किए। तो बस ये है माशाल्लाह से, इसीलिए अल्लाह पाक इन लोगों को इतना नवाज रहा है कि ये लोग हर हाजी के साथ हर उम्रा करने वाले के साथ इतनी अच्छा सलूक करते हैं माशाल्लाह से। और लेकिन बस ये कि कोरोना के बाद से काफ़ी इन लोगों ने हिदायत हो गई हैं कि आप इजाज़त नामा लें अपने मोबाइल से, फिर उम्रे के लिए आएँ, और आपका टाइम इससे इतने से लेके इतने तक है, मस्जिद नबी में रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए इन्होंने परमिट रख दिया है कि परमिट लें आप, कि इतने घंटे इतने बजे से इतने बजे तक आपका टाइम है। तो ये थोड़ी सी हो गई हैं इनकी हिदायत, ज़ाहिर हमें पूरी करनी पड़ती है सबको, और अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि हर मुसलमान के दिल में, हर मुसलमान के दिल में होती है यहाँ पर कि वो मक्के शरीफ आए मदीने शरीफ आए, अल्लाह पाक सब की ख्वाहिशों को पूरा करे और सब मदीने आए मक्का शरीफ आए, उम्रा करें हज करें और सब की खुशियाँ पूरी करें अल्लाह पाक, आमीन।